हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री अग्री क्लासेस एंड माय सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पर जो हमारी फॉरेस्ट्री चल रही थी तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहां पर मतलब कि पिछली वीडियो में जहां तक पढ़ाया था उसी के आगे यहां पर पढ़ाएंगे, है ना। और मैंने बताया था कि आप लोगों को यहां पर ये जो सब्जेक्ट्स रहेंगे इनकी कुछ अपलोड वीडियो ही दी जाएंगी, यहां पर लाइव क्लासेस में नहीं लिया जाएगा। लाइव क्लासेस में सिर्फ तीन ही लगातार चल रही आप लोगों की, जैसा कि एग्रोनॉमी और आपकी सोशियोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है ना। तीन सब्जेक्ट्स आपकी लाइव चल रही जो कि आपके लिए इनफ है ना। बाकी आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को अपलोड वीडियो दी जाएंगी, ठीक है ना। और इससे पहले आप लोगों को आज मैथमेटिक्स की क्लास मिल भी गई होगी, है ना, तो आप लोग उसका एंजॉय किए होंगे जरूर। और इसके बाद इसका एंजॉय करने वाले हैं फिर शाम को आप लोग लाइव देखेंगे, ठीक है ना। आइए चलते हैं। और जैसा कि हमने आप लोगों को जो वानिकी थी, जो फॉरेस्ट्री थी, उसकी परिभाषा बताई थी, है ना, और इतिहास भी बताया था उसका पूरा, आपको डिटेल कर दिया था। अगर नहीं देखे तो बाद में आप लोग जाकर देख लीजिएगा जाकर, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ एक डेफिनेशन में एक जो है डिफरेंस जानेंगे, है ना, दो चीजों के बीच में डिफरेंस जानेंगे। और इसके बाद में हम कुछ शब्दावली जानेंगे, है ना, कुछ शब्दावली जानेंगे जो कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, है ना, इंपॉर्टेंस रखती है। आइए सबसे पहला जो हमारा आप लोगों को जो पढ़ना है, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है आप लोगों को, जैसा कि हमारा जो प्राकृतिक, देखिएगा, प्राकृतिक एवं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम एवं पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर, तंत्र में अंतर देखना है, ठीक है ना। आप लोगों को आज यहां पर हम पहले क्या पढ़ाएंगे, जो हमारा प्राकृतिक एवं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अंतर पढ़ना है। और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे से सुनिएगा, एकदम मजे से आने वाला है आप लोगों को समझ में। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अब देखिएगा प्राकृतिक, इसको हम कहते हैं नेचुरल, क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, क्या कहते हैं इसको, नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इको सिस्टम, समझ जाएंगे, है ना, आर्टिफिशियल इको सिस्टम इसको कहते हैं। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसा कि यहां पर आज इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, जो नेचुरल इकोसिस्टम और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है इसके बीच में हम लोगों को डिफरेंस करना है, है ना, इसके बीच में हम लोगों को अंतर समझना है, है ना। तो आइए चलते हैं और समझते हैं सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कि नेचुरल इकोसिस्टम होता क्या है। देखिए जो नेचुरल इकोसिस्टम है मतलब जो प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी जो जनतंत्र है ना, ये प्रकृति में मतलब जो ये प्राकृतिक, ये प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होता है ना, मतलब कि जो है ये क्या होते हैं, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, है ना। कौन से, ये नेचुरल इकोसिस्टम प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिफिशियल मतलब जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है वो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, है ना, मनुष्यों के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब है अगर इसको देखा जाए तो इसको हम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, पहला पॉइंट डेफिनेशन के तौर पर ये चीज समझ में बिल्कुल आ गई होगी, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पौधे है ना, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इसमें इसमें पौधे एवं जंतुओं की विभिन्न जातियों, है ना, इसमें पौधों एवं जंतुओं की विभिन्न जातियों की बहुलता होती है। कहने का मतलब इसमें काफी सारे पौधे जंतु हैं, है ना, ये इनकी जातियों की बहुलता पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक विशेष या प्रमुख प्रकार की वनस्पति या कोई उपयोगी पौधा होगा, है ना, उसी की इसमें बहुलता होती है। किसी एक की विशेष की जो है कोई हमारी वनस्पति होगी जिसकी इसमें बहुलता होगी, जो कि प्रमुख वनस्पति होगी, है ना। और इसके अलावा जो है आसपास जो उगने वाले जो भी हमारे क्या होंगे, वनस्पति होंगी, वो हमारे खरपतवार कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। बात समझ रहे ना, इसमें एक विशेष और बाकी अन्य आसपास जो भी उगते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। इज दैट क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट इसमें समझते हैं कि जो इसमें क्या होता है, जैविक एवं आनुवंशिक विविधता अधिक पाई जाती है, है ना, जैविक एवं आनुवंशिक विविधता अधिक पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आनुवंशिक जो विविधता है, आनुवंशिक विविधता, है ना,
इसमें बहुत कम पाई जाती है, आनुवंशिक विविधता इसमें बहुत कम पाई जाती है या फिर ना के बराबर होती है, मतलब बिल्कुल होती ही नहीं है, बिल्कुल होती ही नहीं है। बात समझ लेना। अब देखिए अगर चौथा पॉइंट समझते हैं, चौथा पॉइंट समझते हैं कि इस तंत्र में जो भी हमारे जो भी पौधे होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं है ना, जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं से बनाते हैं। अपना भोजन किससे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो वे अपना भोजन किससे बनाते हैं, मतलब कि उनको सूर्य के प्रकाश का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? सूर्य के प्रकाश का। सूर्य के प्रकाश जो उसके मतलब जो है इनको जो मुख्य ऊर्जा है वो कहां से मिलती है? उनको सूर्य के प्रकाश से है ना, सूर्य के प्रकाश से उनको मुख्य स्रोत जो हमारा प्रमुख ऊर्जा है, प्रमुख ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। लेकिन इस वाले में क्या होता है? इस वाले में सूर्य का प्रकाश तो होता है, सूर्य का प्रकाश तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इनको खाद एवं उर्वरक से भी इनको पोषक तत्व तो दिए जाते हैं है ना, इनको पोषक तत्व तो उपलब्ध कराए जाते हैं। बात समझ लेना। अब आप लोगों को प्राकृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र में बिल्कुल अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे अगर आएगा तो आप 4-5 पॉइंट लिख देंगे और आप लोगों के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ये जितना भी बताया आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम जानते हैं कुछ शब्दावली जानते हैं। आइए इंग्लिश इस पे यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, वन शब्दावली जिसको हम कहते हैं फॉरेस्टी टर्मिनोलॉजी वन शब्दावली, ठीक है ना। तो कुछ जो है हेडिंग्स रहेंगी, कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनके बारे में हमको यहाँ पर जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट इसका है एकड़। इसको एकड़ लिखते हैं। एकड़ क्या होता है? देखिए जो एकड़ होता है वो क्या होता है, जो हमारी जो एक भूमि क्षेत्र होता है, एक भूमि जो क्षेत्र होता है उसका ये 43,560 कितना होता है, 43,560 वर्ग फुट। कहने का मतलब है स्क्वायर फुट है ना, वर्ग फुट होता है। बात समझ रहे ना। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इसके इसमें जो है 1.613 बीघा होता है। क्या होता है? बीघा होता है ना, बीघा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है ना। कहने का मतलब है 1.613 इसमें बीघा होता है एक एकड़ में। कितने एकड़ में? 1.613 एक एकड़ में इतने बीघे होते हैं या फिर इतने स्क्वायर फुट होते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है ना। पहला आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा चलते हैं जलोढ़ समझते हैं। दूसरा क्या है आपका? जलोढ़। अब देखिए अगर जलोढ़, एलुवियल कहते हैं इसको, एलुवियल है ना। जलोढ़ क्या होती है? देखिए जो आपका पानी बह रहा है, पानी बहने या चलने से क्या होता है, उसके उससे क्या होता है, कुछ मिट्टी है ना, उसमें कुछ मिट्टी या धूल कण या बालू रेत है ना, ये सब आके जब एक जगह पे कहीं पे आके इकट्ठा हो जाते हैं है ना, तो वो हमारी जलोढ़ कहलाती है ना। वो मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बात समझ रहे हैं? उसको जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़ है ना। जल के द्वारा ओढ़ के जो चीज अगर यहाँ पर आती है तो वो हमारी जलोढ़ कहलाती है। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? ठीक है ना। अब देखिएगा आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना। देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या होता है? बेसल। तीसरा पॉइंट आपका है बेसल क्षेत्र ए। बेसल क्षेत्र ए क्या होता है? देखिएगा जैसे मान लीजिए कि आपकी ये पृथ्वी है ना, आपकी ये अर्थ है और इसके ऊपर आपका ये पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ लगा हुआ है ना, और इससे जो है 4.5 फीट की ऊंचाई के क्षेत्र को, ऊंचाई को, इतनी ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो क्षेत्र जो सामान्यतः जमीन से इतनी ऊंचाई पर जो ये होता है ना, इस ऊंचाई को हम बेसल क्षेत्र कहते हैं, बेसल क्षेत्र ये कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं और इसके आगे और पॉइंट जानते हैं है ना। हमने तीन पॉइंट बता दिए, एकड़, जलोढ़ और बेसल, पता चल गया आप लोगों को, ठीक है ना। वन शब्दावली में ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है और इनमें से क्वेश्चन उठा भी देते हैं। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? आप देखिएगा स्तन ऊंचाई, अगली है स्तन ऊंचाई, अगला पॉइंट है आप लोगों का स्तन ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए कि
ये आपकी जो अर्थ है ना, इससे सामान्यता 1.35 मीटर, इनसे सामान्यता 1.35 मीटर है ना, पर किसी वृक्ष के तने की मोटाई है ना, की मोटाई, जैसे मान लीजिए ये है तो इससे है ना, इससे इतनी ऊंचाई पर किसी वृक्ष के तने की जो मोटाई होती है वो क्या कहलाती है, वो हमारी स्तन ऊंचाई कहलाती है। वो क्या कहलाती है, स्तन ऊंचाई कहलाती है, स्तन ऊंचाई, इसको ब्रेस्ट हाइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्रेस्ट हाइट कहते हैं। इज दैट क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ तक के आप लोगों को इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत है। आप लोगों का देखिएगा जैव विविधता है आप लोगों का अगला पॉइंट है ना, या जैविक विविधता भी कहते हैं इसको, बायोडायवर्सिटी। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो है जीवन की विविधता को दर्शाता है, ये जीवन की विविधता को दर्शाता है। इसमें किसी एक दिए गए क्षेत्र में क्या होता है, आप लोगों का जो भी क्षेत्र की संख्या होती है और उसमें बहुत से प्रकार के पौधों है ना, पौधों और जानवरों की प्रजातियां इसमें शामिल होती है। जैव विविधता का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा है ना। आप देखिएगा इनमें क्या होता है, इनमें साथ ही इनके बीच में सामंजस्य भी बैठता है। कहने का मतलब है जैव विविधता में ना तो केवल जो हमारे व्यक्तित्व जो जीव होते हैं व्यक्तियों है ना, जो हमारे जो व्यक्तिगत जो जीव होते हैं उनमें, बल्कि कनेक्शन और संबंध भी दिखाया जाता है ना, संबंध भी उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, कनेक्शन और संबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात समझ रहे ना, ये बायोडायवर्सिटी जैव विविधता है हमारा, जैव विविधता में हमारा जीवन की विविधता को दर्शाया जाता है। और इसमें किसी एक क्षेत्र में क्या होता है ना, बहुत से प्रकार के पौधे एवं जानवर, इसमें जानवरों की प्रजातियां सम्मिलित होती है ना, और इनके बीच में आपस में क्या होता है, कनेक्शन, एक संबंध दिखाया जाता है। बात समझ रहे ना, आइए आगे चलते हैं और बोर्ड पैर जानते हैं। अगली हेडिंग है आपकी बोर्ड पैर। देखिएगा बोर्ड पैर क्या होती है, ये लकड़ी की मात्रा के लिए एक माप की एक इकाई होती है, ये क्या है माप की एक इकाई है ठीक है ना। जो लकड़ी है तो लकड़ी की जो हमारी मात्रा है, लकड़ी की जो मात्रा होती है, जितनी भी मात्रा होती है, तो उसके लिए एक माप की क्या है, इकाई है, बोर्ड पैर, जिसको क्या कहते हैं, बोर्ड पैर कहते हैं। अगला चलते हैं बोले समझते हैं अगला क्या है हमारा पॉइंट। देखिए बोले जो होता है पेड़ का मुख्य तना होता है, बोले का होता है पेड़ का मुख्य तना होता है। बताइए जैव विविधता, स्तन ऊंचाई, बोर्ड पैर, बोले, बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ तक के आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ 3 से 4 पॉइंट और है, बस उन्हीं को समझ लिया जाए और ये हमारा जो पहला चैप्टर है ये बिल्कुल समाप्त हो जाए। आइए आगे चलते हैं, तो हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट जो है, अगली शब्दावली है कैलिफोर्निया वन प्रैक्टिस एक्ट, जिसको हम जेडबर्ग नेजली के नाम से भी जानते हैं, जेडबर्ग नेजली भी इसको, इसके रूप में भी जाना जाता है इसको। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो कानून है हमारा ये कब बनाया गया, 1973 में वन प्रैक्टिस अधिनियम के एक्ट के तहत इसको जो है क्या किया गया, इनमें अभ्यास नियमों को शुरू किया गया। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी प्रजातियों उत्पादों आकार गुणवत्ता या अन्य विशेषताओं के अनुमान ऐसे सर्वेक्षण में प्राप्त किए जाते हैं है ना, मतलब इन चीजों के जो अनुमान लगाए जाते हैं तो वे जो सर्वेक्षण होते हैं वे इसमें क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं कैलिफोर्निया वन प्रैक्टिस एक्ट के तहत। बात समझ गया आ गई, बताइए कैलिफोर्निया, ये हमारा 1973 में ये अधिनियम इसको शुरू किया गया था। बात समझ रहे ना, समझ रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है ठोकर, चलिए अगला पॉइंट जानते हैं ठोकर। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है या सभी के लिए आकृति बीमारी
कीट का शिकार या चोट के कारण है ना, चोट के कारण बेकार आकार का लॉग। देखिए कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है ना, कोई पेड़ है या सभी के लिए जो क्या होते हैं, जिसमें क्या हो कि इनकी जिनकी आकृति है ना, ठोकर समझ रहे होंगे, ठोकर लग जाती है। जैसे मान लीजिए किसी चीज की ठोकर लग जाती है तो उसमें उसकी आकृति गड़बड़ हो जाती है, या कोई बीमारी हो जाती है, या किसी कीट का वो शिकार हो जाते हैं, या उसमें चोट के कारण जो लॉग मतलब लट्ठा होता है वो बेकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जलाऊ लकड़ी होती है, जो कौन सी लकड़ी होती है, जलाऊ लकड़ी होती है, उसके लिए ये मान लीजिए उपयुक्त होती है। जैसे मान लीजिए कि वो बेकार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको जलाने के उपयोग में ले आते हैं, है ना। अगर कोई लकड़ी या कोई पेड़ अगर बर्बाद हो गया है तो उसको हम काट के जो है क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, जलाने के उपयोग में ले आते हैं। बात समझ रहे हैं। अब चलते हैं कॉपीज समझते हैं, कॉपीज क्या होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वृक्ष या किसी पौधे को जब जमीन स्तर से काटने के पश्चात, मान लीजिए कि ये आपका है और ये आपका पेड़ है ना, और इसको यहाँ से जब काट दिया जाए, है ना, यहाँ से जब इसको काट दिया जाए है ना, और इसके बाद में इसकी पुनर्वृद्धि इसकी करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इसकी पुनर्वृद्धि करने की क्षमता को, पुनः जन्म लेने की, वृद्धि करने की जो क्षमता होती है उसको हम कॉपीज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉपीज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आइए चलते हैं कॉर्ड समझते हैं, कॉर्ड अगला पॉइंट है हमारा, कॉर्ड। अब देखिएगा कॉर्ड क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो हमारा होता है 128 घन फीट युक्त गोल, 128 घन फीट युक्त, यहाँ पर घट भी लिखा हो तो घन फीट युक्त गोल या विभाजित लकड़ी का स्टैक, विभाजित या लकड़ी का स्टैक है ना, लकड़ी का स्टैक जो होता है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। 128 घन फीट है ना, 128 घन फीट युक्त गोल या विभाजित जो लकड़ी का जो स्टैक होता है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नॉर्मली हमको इसका समझना है, थोड़ा सा इसको समझना है बस, समझ रहे हैं। अब यहाँ से आप लोगों की जो भी मेनली जो शब्दावली थी वो मेनली शब्दावली मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। कहने का मतलब है ऊपर से नीचे तक आप लोगों को यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजीली समझ लिए हैं, है ना। और ये इस प्रकार से जो आप लोगों का जो चैप्टर था ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है ना। जो हमारी फॉरेस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मैंने क्लियर कर दिया है, आप सेकंड चैप्टर इसके आगे हम जब लेके आएंगे तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, तो बस आप परेशान ना होइए, जल्दी से आप लोगों को इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके है ना बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पे लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाया करें। और क्योंकि हमारी लाइव वीडियोस भी चलती हैं इवनिंग में, है ना, और अगर आप इतनी देर देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करते हुए आल पे हिट कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ओपन कर दीजिए, ठीक है ना। और बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको यहाँ से सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।